गोल्डन मगरमच्छ ट्रैप। किसी एक घने जंगल के ठीक बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में एक गोल्डन मगरमच्छ रहता था। तालाब से कुछ ही दूर पर एक झाड़ी में बंदर और एक हिरन रहता था, जो बहुत ही पक्के दोस्त थे। उस जंगल में उस हिरन के अलावा और कोई हिरन नहीं था, जिस वजह से हिरन अपने आप बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन हिरन हमेशा की तरह अपने दोस्त बंदर से बातें कर रहा था। पता नहीं इतने बड़े जंगल में मैं अकेला हिरन क्यों हूँ। हाँ दोस्त, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हमें कोई चिंता नहीं। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। हाँ वो तो सही है, एक तुम्हारे भरोसे ही तो मैं जी रहा हूँ। हमारे पास रहने की जगह है, खाने को घास है, पीने के लिए तालाब का शुद्ध पानी है, हमें और क्या चाहिए। अगर जंगल में और भी हिरन होते तो मैं घर बसा कर परिवार बना सकता था। मेरा भी छोटा परिवार होता और मैं अपने बच्चों को अपनी जवानी के किस्से सुनाता। हिरन की ये बात सुनकर बंदर और हिरन दोनों हंसते हैं, लेकिन तालाब में वो विशाल गोल्डन मगरमच्छ इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो समझ गया कि हिरन दूसरे हिरनों के झुंड की तलाश में है और परिवार बनाने के लिए बेताब है। गोल्डन मगरमच्छ हिरन की इस कमजोरी का फायदा उठाने की सोचता है, लेकिन वो जानता था कि हिरन बहुत ही ज्यादा फुर्तीले होते हैं और पानी के बाहर तो उसका शिकार हो ही नहीं सकता। गोल्डन मगरमच्छ सोचता है, इस हिरन का शिकार करने के लिए मुझे इसे किसी तरह पानी में लाना होगा, तभी मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। ये सोचकर गोल्डन मगरमच्छ एक योजना बनाता है और जब वो तालाब किनारे पानी पीने आता है तो पानी में छुपकर बैठा गोल्डन मगरमच्छ अपने आप से बातें करने लगता है। अरे बच्चों, तुम कितना शोर कर रहे हो, चुप हो जाओ। तुम हिरन को चुप रहना नहीं होता क्या? मैं तो तंग आ गया हूँ पानी में रहने वाले तुम हिरनों के झुंड से। पानी से आने वाली आवाज सुनकर हिरन चौंक जाता है और वो आवाज लगाता है, कौन है वहाँ पानी में, जरा बाहर तो आओ। अरे क्या बताओ हिरन, यहाँ पानी के नीचे मेरे पास ही एक हिरनों का झुंड रहता है जो दिन भर शोर करता रहता है और उनके बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। क्या कहा, पानी के अंदर भी हिरन रहते हैं? हाँ, तुम्हारे अलावा सभी हिरन पानी के अंदर ही रहते हैं, इसलिए तो तुम बाहर अकेले रहते हो। ये सब बातें ऊपर पेड़ से बंदर देखता रहता है। उसने तुरंत हिरन को आवाज लगाई और हिरन को अपने पास बुलाया और वो कहने लगा, अरे हिरन भाई, जरा संभल कर, ये गोल्डन मगरमच्छ बड़ा ही धूर्त है। मुझे तो लगता है कि ये तुम्हें पानी के अंदर वाले हिरन के झुंड के बारे में बताकर उल्लू बना रहा है। अरे नहीं नहीं बंदर भाई, मैंने खुद उस गोल्डन मगरमच्छ को उन हिरनों से बात करते हुए सुना। अरे लेकिन तुमने तो सिर्फ आवाजें सुनी, उन्हें आंखों से कहां देखा? तुम अकेले हो, इस बात का फायदा लेकर वो गोल्डन मगरमच्छ तुम्हें पानी में बुलाकर तुम्हारा शिकार करना चाहता है। तो फिर तुम ही बताओ, इस बात को कैसे साबित करे कि वो मगरमच्छ सच बोल रहा है या झूठ। मेरा एक भेड़िया दोस्त है, वो भी इस मगरमच्छ के जैसे ही चालाक है, चलो हम उससे बात करते हैं। ऐसा कहकर दोनों दोस्त भेड़िए के पास जाते हैं। बंदर की बातें सुनकर भेड़िया एक प्लान बनाता है। वो कहता है, हम एक काम करेंगे, तालाब के पास वाले दलदल में हिरन को फंसा हुआ दिखाएंगे और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए एक जाल को छुपा कर रखेंगे। अगर मगरमच्छ ने हिरन को खाने की कोशिश की तो समझ जाएंगे कि वो झूठ बोल रहा है और उसे उस जाल में फंसा देंगे। ये तय करके एक दिन बंदर और भेड़िया मिलकर हिरन को उस दलदल में फंसा देते हैं। हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई बचाओ, मैं यहाँ इस दलदल में फंस गया हूँ, कोई तो बचाओ। हिरन की ये तड़पने की आवाज सुनकर वो गोल्डन मगरमच्छ पानी से बाहर आता है और उस हिरन को दलदल में फंसा हुआ देख उसे कहने लगता है, अरे वाह, मेरा तो नसीब निकल पड़ा। अरे हिरन, तुझे खाने के लिए मैंने तुम्हें पानी में हिरन के झुंड की झूठी कहानी बताई, लेकिन फिर भी तू नहीं आया और आज देख तू खुद इस दलदल में फंस गया है। आज तो मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो गोल्डन मगरमच्छ धीरे धीरे उस हिरन के पास जाता है और जैसे ही वो हिरन को पकड़ने जाता है, हिरन तुरंत वहां से कूदकर बाहर निकल जाता है और बंदर और भेड़िया ने बनाए उस जाल में वो खुद ही फंस जाता है। इस तरह बंदर और उसका दोस्त भेड़िया मिलकर हिरन को अपनी जान गंवाने से बचा लेते हैं।
ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। गधा और सिंह। एक सिंह और एक गधे में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। यद्यपि उनका स्वभाव भिन्न था, परंतु वे हमेशा साथ साथ घूमते थे। गधा और सिंह जहाँ भी जाते वहीं अन्य प्राणियों में भगदड़ मच जाती। दरअसल यह होता तो शेर की वजह से था, मगर गधे को बड़ी भारी गलतफहमी हो गई थी कि सभी जीव जंतु उससे भी दहशत खाते हैं और वह भी एक बलशाली जीव है। एक बार जब वे जंगल में साथ साथ घूम रहे थे तो उन्होंने भेड़ियों का एक झुंड देखा। भेड़ियों को देखते ही गधे की मानसिक वीरता जाग उठी और वह सिंह की नकल करता हुआ ढीचू ढीचू करता हुआ उनकी ओर ऐसे झपटा जैसे उन्हें खा जाएगा। भेड़ियों में ये भगदड़ मच गई, सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसको जिधर मौका मिला उधर भाग निकला, उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह सब देखकर गधा बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत गर्व से चलता हुआ वह आपस शेर के पास आया। उसको देखकर सिंह ने कहा, क्यों मित्र, इतनी जोर जोर से क्यों ढेक रहे थे, क्या बात थी? अरे मित्र, शायद तुमने मेरी वीरता नहीं देखी। भेड़ियों का झुंड मुझे देखते ही इधर उधर भाग गया। वे समझे मैं उन्हें खा जाऊंगा। कितने डरपोक है। गर्व से सीना फुलाकर गधे ने कहा। उसकी बात सुनकर सिंह ठहाका मारकर हंसने लगा। ओ, तो ये कारण है जो तुम इतने प्रसन्न हो। अरे तुम मेरे मित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि तुम एक गधे हो, सिंह नहीं। भेड़िए तुम्हारे डर से नहीं बल्कि इसलिए भाग गए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। एक दोस्ताना सलाह देता हूँ, कभी अकेले हो तो यह काम मत करना, वरना वहीं भेड़िए तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। निष्कर्ष, दूसरों के बल पर किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। बाज का झुंड और टापू। बाज का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वह एक समुद्री टापू पर पहुंच गए। वह जंगल उनके लिए स्वर्ग के समान था। वहां मेंढक, मछली और कई सारे समुद्री जीव मौजूद थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहां बाज का शिकार करने के लिए कोई जंगली जानवर नहीं था, इसलिए वो बहुत आसानी से यहां रह सकते थे। जवान बाज तो बहुत ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक ने बोला, वाह, मजा आ गया, इसलिए मैं यहां से तो कभी नहीं जाऊंगा। यहां तो हमें बैठे बैठे ही खाने को मिल रहा है। बाकी बाज भी उसकी बातों में हां मिलाने लगे और वह खुशी से झूलने लगे। सबके दिन मौज मस्ती से बीत रहे थे, पर उस झुंड में सबसे बुढ़ा बाज इससे खुश नहीं था। एक दिन वह अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों, हम बाज हैं, हमें अपनी ऊंची उड़ान और अचूक वार की ताकत की वजह से जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम कर रहा है। ऊंची उड़ान तो दूर, पर ज्यादातर बाज तो कई महीनों से उड़े भी नहीं हैं। हम आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह शिकार करना भी भूल रहे हैं। यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस अपने जंगल में लौट जाऊंगा। जिसको भी मेरे साथ चलना हो वह आ सकता है। बुढ़े बाज की बात सुनकर बाकी बाज उस पर हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बुढ़ा बाज बेचारा अकेला ही जंगल में वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों के बाद उस बुढ़े बाज ने सोचा, जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों ना चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वह टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य डरावना था। ज्यादातर बाज मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे घायल हो चुके थे। तब यह दृश्य देखकर बुढ़े बाज ने पूछा,
ये कैसे हो गया? घायल हुआ एक बाज बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमने आपका मजाक उड़ाया। आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर शेरों के एक दल को छोड़ गई। शेरों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि ना हम सब ऊंचा उड़ सकते हैं और ना पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू किया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस मेरे जैसे कुछ घायल बाज ही जिंदा बचे हैं। बुढ़ा बाज सिर्फ इसे अब देखकर अफसोस ही कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ अकेला ही उड़ गया। सीख, अगर हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते तब हमारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हमें अपने अभ्यास के जरिए अपनी शक्तियों को बनाए रखना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।